क्लास 8 का इंग्लिश बुक का ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका नाम है सिक्किम। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ जानेंगे, वर्ड मीनिंग जानेंगे और प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर लिख देखिए अगर क्लास 8 में है तो, और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं उसका भी सॉल्यूशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिक्किम। देखिए सिक्किम जो है सिक्किम भारत से ही जुड़ा हुआ एक स्टेट है और इसी के बारे में इसमें चैप्टर में चर्चा किया गया है, बताया गया वहाँ के रहन सहन के बारे में, पहनावा के बारे में, खान पान के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हैव यू एवर विजिटेड ए माउंटेनियस स्टेट। तो विजिट मतलब होता है यात्रा करना और माउंटेनियस मतलब होता है पर्वतीय। क्या आप कभी पर्वतीय स्टेट मतलब राज्य, पर्वतीय राज्य में यात्रा किए हैं, घूमने गए हैं? इफ यस, अगर हाँ, टेल क्लास अबाउट इट्स पीपल, अपने क्लास में यहाँ के लोगों के बारे में बताइए। फूड हैबिट्स, ड्रेस, क्लाइमेट, और यहाँ के लोगों की भोजन की आदतें, किस प्रकार के रहन सहन, पहनावा और जलवायु इत्यादि के बारे में बताइए। चलिए, ये आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जानने की, ताकि विशेष रूप से आप जान सकें। आइए सीधे चैप्टर में आ जाते हैं। सिक्किम इज ए टिनी माउंटेनियस एस्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। देखिए, सिक्किम इज ए टिनी, टिनी मतलब छोटे, ईस्टर्न, ईस्टर्न मतलब होता है पर्वतीय, माउंटेनियस मतलब बताए थे पर्वतीय, स्टेट मतलब राज्य, और हार्ट मतलब हृदय, और ईस्टर्न मतलब पूर्वी, हिमालयस मतलब हिमालय ही होता है। तो सिक्किम इज ए टिनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। सिक्किम जो है एक छोटा सा पर्वतीय राज्य है जो पूर्वी हिमालय के हृदय में है, पूर्वी हिमालय के, इन द हार्ट ऑफ, है ना, इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, जो पूर्वी हिमालय के हृदय में है। इट इज बाउंडेड बाय द टिब्बेटन प्लेट्यू इन द नॉर्थ। यह नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी दिशा से तिब्बत प्लेट्यू से घिरा हुआ है। द चुंबई वैली ऑफ तिब्बत, तिब्बत का चुंबई वैली, एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, और पूरब में किंग भूटान की जगत है, भूटान है पूरब में, नेपाल इन द वेस्ट, और पश्चिम में नेपाल है जिसको आप लोग चौहद्दी बोलते हैं। इनके चारों ओर की दिशाएं में कौन कौन स्टेट है वो बताया जा रहा है। नेपाल इसके पूर्व में, सॉरी पश्चिम में स्थित है, एंड दार्जिलिंग, दार्जिलिंग अर्थात वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है इन द साउथ, और दक्षिण में दार्जिलिंग स्थित है। इन 1975 सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। इट हैज़ ओनली 540,493 इनहैबिटेंट्स एंड ए टोटल एरियाज ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। देखिए यहाँ पर है, इट हैज़ ओनली इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, यहाँ पर केवल 540,493 निवासी हैं, एंड ए टोटल एरियाज ऑफ, और इसका कुल क्षेत्रफल 7,096 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब बहुत ही छोटा स्टेट है। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम जो है इंडिया का कम से कम आबादी वाला राज्य है, क्योंकि इतना यहाँ पर दिया है 540,493, बहुत ही कम आबादी है यहाँ पर। चलिए अब आगे समझते हैं। द वर्ड सिक्किम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सू एंड खियम। देखिए सिक्किम शब्द जो है कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन या जोर। सिक्किम वर्ड जो है दो शब्दों के मेल, सू और खियम से बना है। एस यू सू मीन मतलब अर्थ, सु मत मीन्स न्यू, सु का अर्थ होता है नया, एंड खियम मीन्स प्लेस, और खियम का मतलब होता है स्थान, नया स्थान, और हाउस या घर, मतलब सिक्किम मतलब हो गया नया घर या नया हाउस। देयर फोर मतलब होता है इसलिए, देयर फोर द वर्ड मीन्स न्यू प्लेस और हाउस, मतलब इस सिक्किम शब्द का अर्थ हुआ नया घर या नया स्थान।
इन रिफरेंस टू द प्लेस बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर फुनसो नाम गयाल, मतलब रिफरेंस, देखिए रिफरेंस मतलब संदर्भ, इन रिफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट रूलर मतलब शासक, यहाँ इस राज्य के पहले शासक जो थे उन्हीं के संदर्भ में, फुनसुक नाम गयाल उनका नाम था, उन्हीं के संदर्भ में ये सिक्किम बनाया गया। द तिब्बत नेम फॉर सिक्किम इज देंजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस। देखिए तिब्बतन नाम, इनके इनका जो तिब्बतन नाम है वो है नेम फॉर सिक्किम इज देंजोंग, तिब्बत के लिए इनका नाम है देंजोंग, जिसका अर्थ होता है वैली ऑफ राइस मतलब चावलों की घाटी, वैली ऑफ राइस मतलब चावलों की घाटी। नेक्स्ट पेज में चल, सिक्किम इज डिवाइडेड इंटू फोर डिस्ट्रिक्ट विच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। सिक्किम जो है चार डिस्ट्रिक्ट में, जिलाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें शामिल है पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गंगटोक, गेंजिंग, मैंगन एंड नामची रिस्पेक्टिवली। ये जो इनके जो डिस्ट्रिक्स हैं, इनके जिला जो हैं, इनका हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स मतलब होता है मुख्यालय, इनके मुख्यालय क्रमशः गंगटोक, सम्मान में गंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामची में है इनके हेडक्वार्टर्स। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लिटरेटी मीनिंग ए हाई हिल। कहने का मतलब हुआ गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है और शाब्दिक इसका, गंगटोक का शाब्दिक अर्थ होता है हाई हिल मतलब ऊंची पर्वत, ऊंची पहाड़। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लैड कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक व्हिच इज रिगार्डेड एज द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम। देखिए इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ स्नो क्लैड, मतलब यह जो है यह शानदार जो स्नो क्लैड होता है, बर्फ जो गिरता है, बर्फबारी जो होता है, कंचनजंगा का बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से मिलता है, दृश्य मिलता है, जो कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, व्हिच इज रिगार्डेड एज द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम, जो यहाँ के अभिभावक देवता, यहाँ के मुख्य देवता बोल सकते हैं सिक्किम के, जिनको मुख्य देवता माना जाता है। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना मतलब होता है, फ्लोरा मतलब वनस्पति और फौना मतलब जीव जंतु। सिक्किम जो है जीव जंतु में, वनस्पति और जीव जंतु में अमीर, यहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। स्ट्रीम्स, एनिशियंट मोनार्स सिटीज एंड लेक्स, और पुराने, यहाँ देखिए झरने और पुराने जो होते हैं मठ, पुराने मठ और जो झील होते हैं उनके लेकर ये सिक्किम जो है यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द रोडोडेंड्रम, मतलब सिक्किम के वनस्पति में जो शामिल है ये रोडोडेंड्रम, मतलब होता है एक प्रकार का फल है। देखिए कोई यहाँ जो फल है, वहाँ के जो विद्यार्थी होंगे वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे क्योंकि वहाँ के फल का ये नाम है, तो जैसे कि मैंगो मतलब मैंगो आप समझ रहे होंगे, उसी प्रकार के ये रोडोडेंड्रम एक प्रकार का फल है, द स्टेट ट्री, और ये वहाँ के राजकीय वृक्ष हैं। ऑर्चिड, ये सब कुछ नाम जो होते हैं इंग्लिश में ही सही रहते हैं, ऑर्चिड, फिग, बनाना, साल ट्री, ये साल नाम का एक पेड़ है, एंड बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस होता है, वो तो हमारे सभी तरफ होता है तो ये आपको पता ही होगा। ओक, चेस्टनट, मैपल, ब्रिज, एलड्यूर एंड मंगोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर्स, ये सारे जो अभी नाम बोले ये सब वनस्पति जो वहाँ पर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। चेस्टनट, चेस्टनट मतलब होता है अखरोट का फल या वृक्ष,
और उसके बाद मेपल बताए, मेपल मतलब होता है छाया वृक्ष। मंगोलिया, मंगोलिया का मतलब मंगोलिया ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम इंग्लिश में ही होता है, वर्ड्स हिंदी नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्चिड डेंड्रम नोविल इज, नोविल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। सिक्किम का राजकीय फूल जो है वो ऑर्चिड डेंड्रम नोविल है, वहाँ का राजकीय फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लियोपार्ड। अब फौना मतलब हो गया जीव जंतु। अब सिक्किम के जीव जंतु में शामिल हैं स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड मतलब स्नो लियोपार्ड वहाँ का एक जीव है, लियोपार्ड जो आप जानते होंगे। द मस्क डियर, डियर मतलब हिरन होता है। उसके बाद भोरल, द हिमालयन थार, द रेड पांडा, पांडा भी एक प्रकार का जानवर है, द हिमालयन। उसके बाद है मारमोट, हिमालयन मारमोट, द सेरो, द ग्रोअल, द बार्किंग डियर, बार्किंग डियर भी एक प्रकार का हिरन की प्रजाति है, द कॉमन लंगूर, लंगूर कॉमन लंगूर वहाँ का जो कॉमन कुछ लंगूर होते हैं, द हिमालयन ब्लैक, द हिमालयन ब्लैक बियर, द क्लाउडेड लियोपार्ड, द मार्वल्ड कैट, द लियोपार्ड कैट, द विल्ड डॉग जंगली कुत्ते, द तिब्बतन उल्फ वहाँ का जो तिब्बतन भेड़िया होता है, द हॉग बैगर, द हॉग बैजर, द उसके बाद है बिन बिन्यूरिंग, द जंगल कैट एंड द एंड द साइवर, साइवर कैट। एमोंग द एनिमल्स इन जानवरों के बीच मोर कॉमनली ज़्यादातर सामान्यतः फाउंडेड आर याक्स, याक्स पाए जाते हैं मेनली रियरेड फॉर जो जिसका उपयोग ज़्यादातर जिनके दूध का उपयोग, मांस का उपयोग और उनको बोझा ढोने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इज प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेंट्स बाय द लिपचेस, द नेपालीज एंड द भूटानीज। सिक्किम में मुख्य रूप से जो बसे हुए हैं वहाँ के जो निवासी हैं वे बसे हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर नेपाली हैं और भूटान के लोग हैं। नेपाली इज़ द लिंगवा फ्रंचा ऑफ सिक्किम, मतलब नेपाली जो होते हैं वहाँ के सामान्य भाषा हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम के ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते और समझते भी हैं वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि हिंदी हमारा इंडियन लैंग्वेज है, भारत का मुख्य भाषा है, तो सभी स्टेट में कुछ ना कुछ बोला जाता है। अदर लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम, और दूसरे भाषा जो बोले जाते हैं सिक्किम में उनमें शामिल है इंक्लूड मतलब शामिल होना भूटानी, और उसके बाद है गुरुग, लेपचा, लिम्बू, मगर, नेवारी, ये सब भाषा है, रई, शेरपा, सुनवार एंड तमंग, ये वहाँ के भाषा हैं जो बोले जाते हैं। देखिए इसमें पढ़ने में आपको मज़ा इसीलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो वर्ड्स हैं ज़्यादातर फल का नाम है या तो जानवर का नाम है या तो वहाँ की लैंग्वेज का नाम है, तो ये सारा नाम जो होता है नाम का बहुत वही अर्थ ही होता है, तो सो इसीलिए आपको मज़ा नहीं आता होगा। द पीपुल इन द रूरल एरियाज, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रो कार्डमोम, जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्चिड्स। ग्रामीण लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर कार्डमोम, कार्डमोम मतलब होता है इलायची उगाते हैं, अदरक उगाते हैं, ऑरेंज मतलब नारंगियाँ उगाते हैं, नारंगी, सेब और ऑर्चिड ये सब फल फूल जो होते हैं वो उगाते हैं। राइस इज ग्रोन ऑफ द हिली साइड्स ऑफ द साउदर्न एरियाज, मतलब पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में सिक्किम में चावल उगाया जाता है। सिक्किम इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमोम इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा इलायची सिक्किम में ही उगाया जाता है। द मिनरल्स माइंडेड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलमाइट, उसके बाद है लिमस्टोन, उसके बाद है ग्रेफाइट, मिका, आयरन एंड कोल, वहाँ पर ज़्यादातर खनिज जो होते हैं ये सब मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं
जी कॉपर हुए, डोलामाइट हुए, लिमस्टोन हुए, ग्रेफाइट, मिका, आयरन, कोल, ये सब कोयला पाए जाते हैं। उसके बाद है द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल्स सच एस दिवाली एंड दशहरा। सिक्किम के लोग ज़्यादातर इंडियन त्यौहार मनाते हैं जैसे कि दिवाली, दशहरा मनाते हैं। एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, वहाँ के लोग ज़्यादातर बुद्धिज्म हैं, बुद्ध जैसे कि हम लोग में यहाँ पर ज़्यादातर हिंदूज में हैं, मुस्लिम हुए तो वहाँ सब बुद्ध को मानते हैं। द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर आर एसोसिएटेड विथ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, वहाँ पर ज़्यादातर लोग मिलकर के बुद्धिस्ट जो फेस्टिवल त्यौहार होते हैं उनमें शामिल होते हैं, उनको मनाया जाता है, सब मिल करके मनाते हैं। द पॉपुलर फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट इंक्लूड लोसार, वहाँ के कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं जो वहाँ के लोग मनाते हैं, जिसमें शामिल है लोसार, सागा, दावा, लाहवाब, उसके बाद है धुएचेन, नाम है वहाँ के त्यौहार का, उसके बाद है फांग, उसके बाद लहासोल, दरुपक्का, तेसी, भुनचू, लोसुंग, तिहार, उसके बाद डांसिंग एंड क्रिसमस। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़े हैं सिक्किम के बारे में पढ़े हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वीडियो कैसा बना है। चलिए अगले वीडियो पर जरूर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।